की नाम है जी अपना? मेरा नाम राजविंदर कौर। हाँ जी, तो कहड़ा मतलब है? नामदेव कलोनी। हाँ जी, की कारण है कि जरा तुसी अज डीएसपी साहब दे दफ्तर आए तो सारे मिलन भी आए, तो की मामला की है सारा? सर मेरे नाल 4 लाख दी ठगी हुई है, चंदीत हंस ते कुलदीप लोहड़िया ने की है। किस तरीके ने ठगी की थी, पूरी डिटेल ना सानू दसो। कल सर मेरे हसबेंड ने ना गुरदासपुर का हैगा वा एजेंट, उन्होंने ना बाहर भेजा सीगा एक नंबर का कह के 2 नंबर च, उन्होंने ना बाद च फसाता, फिर वो ना मेरा फैसला हुआ 3,70,000 के फैसला सीगा मेरा, साडा बुलेट वा उहदे कोल ते पैली आ, असीं पैली वापस ते बुलेट वापस लैणा सी 3,70,000 दे के, उह मेरे मोहदवार बंदे लै के भज गए चंदीत हंस ते कुलदीप लोहड़िया, उह हुण मानदे नहीं ते झूठियां सोहां खाई जांदे अपने बच्चे दीआं। मैं 3 थावां ते प्रकाशा दित्तियां एस पी डी सर दे नार सर दे फ्रॉड वाले ने, मेरी कोई सुनवाई नहीं होंगी, मैं एक बार कॉन्फ्रेंस भी कराती है, कोई सुनवाई नहीं होंगी सर मेरी कोई भी, मैं बहुत इतने गेड़े कड़ कड़ के थक गई हूँ, अज भी मेरे बहस हुई है, मैंने शरेआम धमकी दे के गए इतने भरी पंचायत, कहते जितने मर्जी परचे दे ला असी तेरे पैसे नहीं देने, जो मर्जी कर ला। गुरदासपुर के एजेंट के 21 अगस्त में मेरा लिखत पढ़ता है, 21 सितंबर में मैं पैसे देने से, उतने एजेंट कहता मैं पैसे ता लाने जोड़ा बंदा वो पैली वापस वो नाते होनी है, कुलदीप लोहड़िया कहता सी कि मेरे नाते करवाओ, जब एजेंट मनिया नहीं वह चल गया, कहना मैं इधर रकम नहीं लैनी, विचों पैसे लैके भज गए, अगली पार्टी ने पैसे नहीं दिते, ये मोहदवार बंदे से वह आप ही लैके भज गए, हूँ यह मुकर गया, मेरे तो सारे प्रूफ पे आ, मैं तो रिकॉर्डिंगा भी पाइं, रिकॉर्डिंगा से खुद मानता पाया, मैं 370 ही लिया तेरे, 3.5 कैश है 20,000 पाया अकाउंट में कुलदीप लोहड़िया के। नहीं चलो ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਆ। मामला की है सारा अज पिछले दिन जो दरखास्त चलन रही है एस पी डी साहब के, हमने जोड़ा मैडम ने दसिया कि मेरी दरखास्त काफी टाइम तो चलन रही है, जिद मैं काफी मतलब बयान भी देते हैं पुलिस प्रशासन वालों, कोई भी सुनवाई नहीं की गई। अज असी एक धरने का अपने दिता कि असी धरना लावे दरखास्त संबंध में, भी जोड़ा वार बार शरारती अंसर है जोड़े वो जान बुझ के भोले भाले लोगों को खराब करते पे है, खजल करते पे थाने के झूठिया भी दरखास्तां दे के जरा एम एल आर कटा के लोगों से झूठा मक दर्ज करा रहे हैं, जिदे चरणजीत हंस जो कि नशा दे नशे वेचण वालों के सपोर्ट करके उन्होंने मदद कर रहा वा, तो जिहड़ा एक होर भी ये साथी है जोड़े ये नाल ही होंगे है, उन्होंने हम मैंने नाम नहीं याद है, पर असं बार बार प्रशासन को एस एस पी साहब तो यही मांग करते हैं कि जो ये शरारती अंसर आ जा नशे के खिलाफ जाते हैं, एक रात कोई लड़ाई हुई थी मतलब किसी आदे के नाल चाहे एक्साइज विभाग के नाल, पर जो लड़ाई होगी करमजीत सिंह साधू ने तुरंत ही उस लड़ाई के अरेस्ट किया गया, जबकि वो प्रोपर कोई इंक्वायरी भी नहीं की गई, एम एल आर कट्टी ने एक दिन दो दिन लग जाते आने थाने के, पर प्रशासन ने इन्नी तेजी फास्ट काम किया जा रहा वा चरणजीत हंस के कहने के उत्ते, वो मिनटों मिनट ही जाके फटाफट जाके धरना ला दिता, प्रशासन इन्नी जल्दी कार्रवाई करता वा, असं पिछले दिन ही 4-4 महीने दरखास्तां पेंडिंग पईआं वा, असं थाने बचारे ने चक्कर ला ला के थक गए हैं, पर साडी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल 20,000 रुपया इन्हों के कोल एक प्रूफ भी है बैंक का जोड़ा कि लोहरिए के खाते पाया गया वा, 3,50,000 रुपया उसकी मां ने चरणजीत हंस ने बैग फराता, मैं साडा जोड़ा फैसला करा के साडा सानू मोटरसाइकिल बिल्डिंग का वापस कराया जाए, साड़ी जमीन सानू वापस कराई जाए।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਬਦਬਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਚਨੇ ਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸ ਦਰਖਾਸਾ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ 3.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬੈਗ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਚਰਨਜੀਤ ਹੰਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ SSP ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਛ ਅਣ ਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲ ਦਾਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੋਰੀਆ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੰਸ ਜੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3,70,000 ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਲਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ 25 ਦੀ ਵੀ ਟੱਕੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਹਰ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਚ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਵੀ 40,000 ਰੁਪਇਆ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੇ ਕਰਾ ਦੇ ਰਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਨੂ ਔਜਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਜੋ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਹੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਸਿੱਟਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਹੰਸ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ
वो फैल हो चुकी हैं तो जी एक दरखास्त एस पी डी साहब चल रही है तो उन्होंने पता है साढ़े बारे लगभग तीन चार महीने हो चुके हैं तो जो असं दोषी होंगे तो साढ़े से परचा होगा जान बोल के मेनू बदनाम करने की साजिश है मेरे तो झूठा परचा जो करने की जी साजिश रची जा रही है तो कुछ पार्टियां जी उन्होंने मदद कर दी है जिन्होंने एक अंबेडकर जो पार्टी बना के बैठा परमजीत सिंह ओजला वह उन्हों की असल जो सपोर्ट के उत्ते जो खड़ा है उस सिरे का शहर का ठग बंदा तो तुम चाहे वही मिल तो साधी मिले जितने मर्जी जाके तुम पूछ लो तो साढ़े एक एक बच्चा जरा साढ़े खिलाफ कोई कर पेगा नहीं तुम दस दे तो असं जी देश की वीड्डी तो वीड्डी सजा लेने तैयार है तो परमजीत ओजला जो साढ़े से अब एलीगेशन लगा वा कि यह बंदा पैसे भी साढ़े से ठगी ठोरी से लाता है सब तो वाला ठगी ठोरी है आप ये खिलाफ थाना सिटी के थाना सिटी टू के जीडिया काफी दरखास्तों जो ठगी ठोरी दी परमजीत सिंह ओजला के खिलाफ भी ट्रैवल एजेंसी के मसला नहीं ट्रैवल एजेंसी का यह जो घरवाला जो इन्होंने जो बाहर भेजना से अपना तो यह सोरा मेरे नया मकान बनाया कि अपना शरिया मेले तो उदा सोरा जो मेरे घर में मिस्त्री का काम करता रहा तो मेरा काफी प्यार से सोरे में उन्होंने राजविंदर कौर के उन्हें मेरे तो 2 लाख रुपया उस वे जो उधार अलता से मंगया से जो मैं अपने कहना मेरे जवा अपने जो जवाई भी बाहर भेजना से वह मैं पैसे की लोड़ आ तो इन्होंने पैसे जोड़े आ राजविंदर कौर के और जो मुझे जसपाल भेजा से प्यो ने मेरे तो 2 लाख रुपया दिता से वह सबूत जरा यह दरखास्त उन्होंने आप लिख के दिता पाया जरा दरखास्त जी आके राही मैं एस एस पी दफ्तर लिखी आ यह सब तो वाला सबूत है जी मेरे तो पिया इस वेल भी जी फाइल हो चुकी है दरखास्त मैंने क्योंकि उन्होंने एलीगेशन यही थी कि असं इन्हों ट्रैवल एजेंसी के नाल जो एजेंट है कोऑपरेट करने वास्ते असं इन्हों 3,70,000 रुपया दिता जिहड़ा ये आप ही रख गया एजेंट तक नहीं किया एजेंट को साडा फ्लोट मोटरसाइकिल से होर भी दस्तावेज कागज जोड़े पे और सानू दोवां ने गुमराह किया सही है मान योग डी एस पी साहब भल्ला साहब से जिन्हें भी दरखास्त चल रही थी ना जी वो दरखास्त जितने चल रही थी इतने 21-9 की गल है जी 21-9-2023 की गल है जी तो जे मैं पैसे लिते तो कैमरे लगे अभी सी अंदर कैमरे चेक करा लें जी मैं पैसे लिते तू तो मैं तो प्रशासन ने कहा जो मेरा एक इंच भी मेरा कोई दोष साबित हूं तो मेरे तो जरा मेरे ऊपर जरा तुरंत परचा दर्ज किया जाए तो मैं वीड्डी तो वीड्डी सजा लेने तैयार हाँ जी बिल्कुल बेबुनियाद है जी और प्रशासन को की ये वास्ते मांग कर रहे की अर्ज कर रहे प्रशासन में यही मांग करा कि जी साढ़े को दरखास्त दत्तियां जा रही वो झूठिया बेबुनियाद यदि पारदर्शी इंक्वायरी करके जी दरखास्त है वह जो पारदर्शी इंक्वायरी की जाए जेकर अभी एक इंच भी दोषी पा जाने तो असं जो तो बेशक साढ़े तो परचा जो है पुलिस ठोक के देवे जे असी बेकसूर हाँ तो पुलिस को पता ही है जी इस गल का 3-4 महीने हो गए दरखास्त दिंदी हाल जो दरखास्त कुछ नहीं बनाना